सदन में आज डीएसपी हत्याकांड ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हंगामा हुआ, जिसमें अभय सिंह चौटाला और बी बत्रा समेत कई विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं सीएम मनोहर लाल एक अलग अंदाज में आज नजर आए। मैं इस मान सदन का ध्यान एकत्रित लोकहित के विषय में दिलाना चाहता हूं। मध्य दिनांक 19 जुलाई 2022 को नू के तावड़ू में अवैध खनन रोकने के डीएसपी की खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस पे हमला पहली बार नहीं बल्कि अनेकों बार पहले भी हो चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की दिन दहाड़े हत्या से स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन माफिया के गुंडा राज का आतंक छाया हुआ है। वर्ष 2019 से 2022 तक खनन माफिया द्वारा पुलिस पे जानलेवा हमलों की 22 घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने की वजह से इनके हौसले बुलंद है। नू और तावड़ू की पहाड़ियों में अवैध खनन और भ्रष्टाचार बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय में की ओर दिलाना चाहते हैं। डाडम खनन घोटाला की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रदेश में नू और तावड़ू की पहाड़ियों में अवैध खनन ने सारे प्रदेश को भ्रष्टाचार में लपेट दिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन घोटाले, खनन माफिया, खनन अधिकारी, खनन विभाग और हरियाणा पुलिस व राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पत्थरों के डंपर के नीचे रौंद डाला और उसकी मृत्यु हो गई। कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खनन घोटाले में पर्ची व खर्ची की सरकार चलती है। पर्यावरण की धजियां उड़ रही हैं। सरकारी संरक्षण में अरावली की पहाड़ियों को खनन माफिया खा गया है। सरकार हमेशा मूकदर्शक बनी रही, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के नारे खोखले साबित हो रहे हैं। जहां पर खनन निषेध है उस एरिया में खनन कैसे हो रहा है? सरकार भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य गण मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देखिए ये हमारी विधानसभा का ये विधानसभा की चर्चा है और विधानसभा की चर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें हमेशा तुलना की जाती है। सरकार कभी किसी की चलती रहती है, लेकिन एक तरफा तो खुले आरोप लगाए जाए ये चौपट हो गया, ये सब बर्बाद हो गया। और अगर उसकी तुलना नहीं, इन चीजों को नकारने के लिए हमें कोई तुलना तो कभी करनी पड़ेगी। अगर तुलना करनी पड़ेगी तो चौपट उस समय था कि चौपट आज है, ये हमको बताना तो पड़ेगा। इसलिए ये हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी, ये हिसाब किताब रिप्लाई में लिखवाना, ये रिप्लाई में तो है नहीं, रिप्लाई में भी है। मैं इस मान सदन का ध्यान एकत्रित लोकहित के विषय में